दो साल से NH निर्माण ठप। रामपुर से काठगोदाम के बीच हो रहे NH 109 का निर्माण कार्य, लालकुआ से हल्द्वानी के बीच NH चौड़ीकरण का कार्य पिछले दो साल से बंद पड़ा है, लिहाजा निर्माणाधीन NH के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन लंबे समय से ना तो शासन इसकी सुध ली और ना ही सरकार ने। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि निर्माण रुकने के पीछे कई स्थानों पर लोगों की जमीनों का अधिग्रहण होना था, जिसे प्रशासन ने समाधान कर दिया है। जल्द ही NH की निर्माणदायी संस्था द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। हाँ, वो कुछ गांवों में कुछ जगहों पे आर्बिट्रेशन केसेस के अभाव में वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे और पोजीशन मिल नहीं पा रहा था, तो वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व करवा दिए हैं दो महीने पूर्व वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व हो गए थे। सेकंड इशू होता है कि जहाँ पे मुआवजा दे दिया है लेकिन लोग मुआवजे को रिसीव नहीं कर रहे हैं, सो वो हमारे एक में प्रावधान है कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है, उसके बाद यदि मुआवजा वो प्राप्त नहीं भी करें तो भी पोजेशन लिया जा सकता है और वहाँ पे NH अपना कार्य शुरू कर सकता है। उसके लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्प चाहिए होती है वो भी दी जा रही है। थर्ड इशू कोरोना के दृष्टिगत तो वहाँ पे पहले लेबर का और जो हमारा खनिज मटेरियल निकलता है उसका कुछ इनर्शिया था, लेकिन वो भी पिछले महीने से ट्रैक पे आ चुका है। इसके अलावा अभी और वर्तमान में कोई ऐसा इशू पेंडिंग नहीं है जिस वजह से हमका कार्य बाधित हो। टाइमलाइंस एक्सटेंशन विद जस्टिफिकेशंस और जो क्वालिटी वेरिफिकेशंस हैं वो NHAI के ऑडिटर्स और थर्ड पार्टी उनके द्वारा नियुक्त होती है, उनके द्वारा किया जाता है। और जब राज्य सरकार से या भारत सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी किसी भी तरह की अपेक्षा की जाती है तो वो संपादित करवाई जाती है। कब तक सर काम शुरू होने की संभावना है? उनका कार्य कुछ स्टेजेस पे तो शुरू हो गया है, लेकिन इसमें टाइमिंग एक्सटेंशन उनको अवश्य मिला होगा। सो जो रिवाइज टाइमलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर किया जा रहा है और वो टाइमलाइन पूर्ण कर ली जाएगी।